नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की। मंगलम सिटी में जैन मंदिर जैन समुदाय का पर्व मनाया गया, जिसमें सभी जैन बंधुओं ने मिलकर पूजा अर्चना किया एवं जैन धर्म के बारे में बताया। मंगलम सिटी में जैन मंदिर के बारे में बताएं। इस मौके पर मंगलम सिटी का समिति अध्यक्ष वीपी सिंह एवं लाइव न्यूज नाउ चैनल के प्रधान संपादक शत्रुंजय सिंह, आवाज चैनल के गोपाल सोनी का सम्मान किया। यहाँ के काफी बच्चों ने अलग अलग वेशभूषा बनाकर खूब अच्छे अच्छे और फॉर्मल्स। मंगल सिटी के सभी परिवार मिलकर इस पर्व को मनाया। इस मौके पर सीमा विनोद कुमार राव का अध्यक्ष, सुशील बजाते अध्यक्ष, राकेश जी काला मंत्री, श्रीमान जी कुमार को पुस्थापक मंत्री और मंच संचालन मंत्री, श्रीमान नवरत्न शेट्टी, प्रकाश चंद, सुरेश जी शेट्टी, नितिन जी राव का, नितिन जी राव बरजातिया, विनोद जी छाबरा, सभी लोग मौजूद रहे। दस लक्षण पर्व अभी शुरू हो चुके हैं। आज चौथा धर्म है सोच धर्म, जिसके लिए हमने यहाँ पे शाम को रोज़ाना जो है प्रोग्राम किया जाता है। आज जो है बच्चों का फैंसी ड्रेस प्रोग्राम और साथ में महिलाओं के द्वारा जो है थाली सजाओ प्रतियोगिता, आरती की थाली सजाओ प्रतियोगिता रखी है, जिसमें बहुत सी महिलाओं ने और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। आप लोगों को यहाँ मंगलम सिटी में ये मुनि सुल्तान दिगंबर जैन मंदिर है, जो कि मंगलम सिटी एस सी के सी ब्लॉक में विराजमान है। इसकी स्थापना श्रीमान बीपी सिंह जी की सदस्यता में हुई और समाज के जो भी अतिथि सम्मानीय व्यक्ति ने सबने निर्माण में सहयोग भूमिका निभाई। इसमें मंत्रिमंडल है बाकायदा, उसके द्वारा यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दस लक्षण धर्म जो यहाँ महापर्व चल रहा है, उसमें सभी की सहानुभूति होती है। सब लोग आपस में सहयोग करके मिलजुल के सब यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित करते हैं, उसी प्रोग्राम के द्वारा सबको संचालित किया जाता है। ये जो दस लक्षण धर्म है हमारा, ये हमको ये बताता है कि हमको मोक्ष मार्ग पर कैसे जाना है और कैसे अपने को निस्तारित करना है। अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी राव का, उपाध्यक्ष सुशील जी बड़जात्या, मंत्री राकेश काला, व्यवस्थापक मंत्री श्रीमान जय कुमार जी गोदा, प्रकाश चंदीशा, कवि जी बड़जात्या, नितिन राव का और यश गोदा, अन्य सदस्यगण और उपस्थित नवदन जी सेठी, श्रीमान संचालक मुद्दे सूर्य जी सेठी, इन सबके द्वारा यहाँ पे संचालन किया जाता है और सबका सहयोग प्रदान किया जाता है। आज यहाँ पे फैंसी ड्रेस व वेशभूषा के लिए यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी महिलाएं जो अपने हिसाब से थाली सजा के लेके आ रही है और बच्चे अपने हिसाब से परफॉर्मेंस देंगे और अच्छा से अच्छा प्रोग्राम करने का प्रयास करेंगे। सभी की सहभागिता, सभी का नारा जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं सभी को जय जिनेंद्र कहता हूँ। और मंगलम सिटी में मुनेश्वर मंदिर हमारे बने, मुनेश्वर धाम बना, जो यहाँ के जैन समाज के बंधु हैं सभी ने मिलजुल कर जो जैन मंदिर बनाया, ये हमारे मंगलम सिटी के लिए एक सौभाग्य की बात है। यहाँ पे हमारे जैन भाई बंधु बहन सब काफ़ी दूर 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जाते थे पूजा करने। आज हमारे मंगलम सिटी का सौभाग्य है कि हमारे सभी भाई बंधु के लिए यहाँ पर सभी ने मिलकर जो मंदिर निर्माण कार्य किया है, आज मुनीश्वर धाम जी हमारे मंगलम सिटी में हैं, यह हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस मंदिर के जो कार्यकर्ता लोग हैं, मंदिर के जो पदाधिकारी हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मंदिर को बाकायदा मेंटेन करके रखा हुआ है और आए दिन इस तरह के प्रोग्राम भी करते रहते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि आप लोग द्वारा बुलाया जाता है, जब भी आप लोग कोई प्रोग्राम करते हो हमें सम्मान देते हो, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं आप सभी को धन्यवाद भी धन्यवाद के साथ यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे 24 घंटे हो, कभी भी हो, मैं हर समय सोते जागते हर समय इस जैन मंदिर के साथ, जैन समाज के साथ, सभी जैन बंधु के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता रहूँगा और हमेशा करा रहूँगा। और मंदिर जब नहीं थी यहाँ पे तो देखा जाए जैन समाज के कुछ ही परिवार हुआ करते थे, आज देखा जाए तो 50 से 60 परिवार पूरे मंगलम सिटी में हमारे जैन समाज के आ चुके हैं। तो जहाँ पे समाज अच्छा होगा वही वहाँ पे विकास भी हुआ। तो आज जैन समाज के माध्यम से हमारे मंगलम सिटी का विकास भी हो रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप सभी जैन बंधुओं को, मंदिर के सभी पदाधिकारियों को, मंदिर को, सबको तहे दिल से धन्यवाद।